आज पठानकोट नगरी नहीं है, अयोध्या नगरी बन गई है। भगवान राम उन्होंने कृपा साढ़े सारे से बनी रहे, मेरे शहर के सारे शहर वासियों के इलाका वासियों से हमेशा कृपा बनी रहे। साड़ी झाकियां जड़ियां मैं देखने वास्ते लोग उत्सुक रहिंदे है, क्योंकि साड़ी कोशिश ये होंदी है कि हर बार कुछ ना कुछ नया शहर नूं दिखाया जाए। कि बहुत दूर दूर से लोग जो हैं इसमें आके सम्मिलित हो रहे हैं और उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं है। राममय हो चुका है सारा का सारा पठानकोट। सब ना पहला तो मैं एक गल कहना चाहना कि शहरदारा का बहुत बड़ा सहयोग है सानू, तन मन धन नाल इन्होंने सानू सहयोग दिता और सानू पुश किया इन्ने वधिया प्रोग्राम करन लई। सानू कुछ लोग जिहड़े इहदे नाल रिलेटड ने उहनां दीआं सलाहां नाल भी असीं चले हैं। बाकी झाकियां अज जिहड़ी राम बरात दीआं झाकियां असीं पेश कर रहे हैं, सब नालों वधिया गल तो यह है जी, लोगों की डिमांड के मुताबिक असी स्टेट का कल्चर, हर एक स्टेट का कल्चर दिखाने की कोशिश करांगे, अगों भी और हुण भी कर रहे हैं। जिस तरह इस बार आप हिमाचल की कल्चर नूं एक झाकी के रूप च दिखाने की कोशिश की है, और बाकी भोले शंकर जी दी झांकियां और परशुराम लक्ष्मण संवाद और साढ़े जिहड़ा पुराना कल्चर सी, जिस तरह डाचियां वै साडा मलवई भंगड़ा वै, जिस तरह होर भी बहुत सारा असी प्रभु राम जी दी एक झांकी बहुत बहुत अच्छी निकाल रहे हैं। अयोध्या ते आधारित है वो झांकी। पूरे का पूरा शहर जो है और राममय हो चुका है, आप देख रहे हैं प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है। और ये बारात राम जी की, प्रभु राम जी की बारात जो है वो अभी यहाँ से बाज़ारों से होते हुए खत्री सभा में जाएगी, वहाँ रोमी वडेरा जी स्वागत करेंगे और खत्री परिवार जो है वो वहाँ पे स्वागत करेगा राम बारात का। और वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है और बड़े लेवल पे, बड़े बड़े स्तर पे वहाँ पे बारात का स्वागत होगा। और बाज़ार में विभिन्न झांकियाँ जो हैं, हमारे डायरेक्टर प्रदीप महेंद्रो जी उनके नेतृत्व में ये जो झांकियाँ हैं निकाली जा रही हैं और ये हर्ष का और प्रसन्नता का विषय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत दूर दूर से लोग जो हैं इसमें आके सम्मिलित हो रहे हैं।